वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में क्या आपका एग्ज़ाम छूट गया है या आप अनुत्तीर्ण हुए हैं? क्या आप एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं? क्या आप निष्कासित हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा जानकारी प्राप्त करें कि क्या क्या आपको करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिए। देखिए, यहाँ पर नालंदा खुला विश्वविद्यालय से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस ये है कि वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विगत वर्षों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं निष्कासित छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने के संबंध में सूचना। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के MA, MSc, MCOM, MCA पार्ट 1, MA, MSc ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, MA रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू, JMC, MSc बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स एवं MCA पार्ट 1 को छोड़कर के ऐसे विद्यार्थीगण जो विगत वर्षों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं निष्कासित थे को वर्ष 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23/5/2023 निर्धारित की गई थी। इस तिथि तक कतिपय विद्यार्थी ने अपने परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किए हैं, इसलिए विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ₹300 विलंब शुल्क के साथ दिनांक 16/6/2023 तक विस्तारित की जाती है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के BA, BSc, BCom, BCA, BBA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MA, MSc, MCom पार्ट 2, MCA पार्ट 2, पार्ट 3 के विगत वर्षों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं निष्कासित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 10/6/2023 से 3/7/2023 तक निर्धारित की गई है। वैसे विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं होगा जो नियमन रेगुलेशन के तहत समय निषिद्ध हो चुके हैं। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए निर्धारित विस्तारित तिथि निम्नवत है। ₹300 16/6/2023 तक विस्तारित है और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 10/6/2023 से 3/7/2023 तक है। वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी का नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.nou.ac.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड 123456 वैसे विद्यार्थी के लिए जिन्होंने पूर्व में अपने पासवर्ड नहीं बनाए हैं के साथ लॉगिन करेंगे तथा परीक्षा फॉर्म परीक्षा शुल्क ₹1500 जमा करेंगे। नेक्स्ट नीचे अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करके और आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके भी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड, माय अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम एनरोलमेंट, माय रिसीप्ट, लॉग आउट, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एनरोल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और अपलोड एनुअल एग्जामिनेशन मार्कशीट, यहां पर 100 KB के अंदर आपको फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। पहले आप उसको 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट पर सेव करके रख लीजिएगा। सेव किया हुआ जो आपका मार्कशीट है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। देखिए, मैं अपने मार्कशीट को अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपका पूरा डिटेल्स, जो जो सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा वो पूरा 8 पेपर का डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद नीचे देखिए ब्लू टिक है, ब्लू टिक को क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट को क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, पे ₹1500 आपको पेमेंट करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पे विद पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आप किस मोड पर पेमेंट करेंगे, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। यहाँ पर हम
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI पर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कौन मोड में आप करना है, भीम, UPI, Paytm आदि। हम भीम से कर रहे हैं, भीम UPI से। यहाँ पर देखिए अप्रूव आ गया है, अप्रूव करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका UPI का कोड देना है और ये सक्सेस हो गया मेरा पेमेंट। सक्सेस होने के बाद आपको फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पेज पर जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट का स्लिप है, आप पेमेंट कर चुके हैं उसके लिए आपका एक पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रखना है और आप जो फॉर्म भरे हैं उसका भी एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसको भी आपको प्रिंट आउट करके रख देना है। देखिए यहाँ पर एक्शन, एक प्रिंटर का पिक्चर दिया हुआ है, एक पेमेंट का पिक्चर दिया हुआ है, दोनों को आपको क्लिक करके रखना है और सेव करके रखना है और दोनों को आप प्रिंट आउट करके भी रखना है। ये देखिए एनुअल एग्जामिनेशन जो हम फॉर्म फिलअप किए थे उसका पूरा डिटेल्स और ये पेमेंट रिसिप्ट का पूरा डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।